गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। आज संडे है तो हमने प्लान बनाया कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो वंस अगेन आज हमारा ट्रिप बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं साई गीता आश्रम। साई गीता आश्रम यहाँ से 17 किलोमीटर है और इस पूरे जर्नी को हम आधे घंटे में कवर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे जाएंगे और क्या है वहाँ पर स्पेशल। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेशनल हाईवे से आ रहे थे, अभी ये दिखाएंगे आपको। ये हैदराबाद से आ रहा है रूट और ये जा रहा है नागपुर, हमारे राइट में नागपुर जा रहा है और हम जा रहे हैं देवराम जी। यह मैंने आपको सुबह बताया था कि हम साई गीता आश्रम जा रहे हैं और साई गीता आश्रम जो है देवराम जी में पड़ता है। चलिए तो देवराम जी के तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है साई गीता आश्रम। चलिए दोस्तों, ये रोड जाता है देवरांजा मंदिर। तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं साई गीता आश्रम। चलिए आप आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखा दें क्या क्या है साई गीता आश्रम में। आइए मेरे साथ। तो पता नहीं है अभी तक बाबा मंदिर में शूटिंग अलाउड है कि नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको दिखा सके और आपको दर्शन हो जाए। आपको मैं बता रहा था कि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में लोगों की श्रद्धा और आराधना बहुत ऊपर ऊँचे स्तर का रहता है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 365 का लड़ी का जो दिया वो अपने आंवला फल के ऊपर रख के तुलसी या आंवले के पेड़ के नीचे वो दिया लगाते हैं कि पूरे परिवार में सुख और शांति बना रहे। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसका सीधा। ये देखिए लोग बाग यहाँ पर दिया लगा रहे हैं। और दोस्तों दिया जो है आंवले फल के ऊपर लगा के चढ़ाते हैं। यहाँ शंकर जी का मंदिर है, देखिए। काफ़ी अच्छा नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। यहाँ लोग आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, विश्राम लेते हैं, फिर जलपान करके शाम तक घर को प्रस्थान करते हैं। साई गीता आश्रम में हजारों श्रद्धालु, वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं किस तरीके से मंदिरों के अंदर में पूजा हो रहा है। सभी मंदिरों यहाँ पर कम से कम 4-5 मंदिर हैं। पूरे मंदिरों में जिस तरीके से पूजा विधि विधान होता है उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं। साई गीता आश्रम का ये घंटाघर, रनिंग क्लॉक, हाउ कैन वी ट्रांसेंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जीवन किस तरीके से शुरू होता है किसी भी प्राणी का और आखिरी साइकिल लोग किस तरीके से सबको छोड़ के चला जाता है, इसके बारे में वर्णन हुआ है इस रनिंग क्लॉक में, आप देख सकते हैं। पशु और ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग,
ये दोनों का ही वर्णन हुआ है। फ्रेंड्स वंस अगेन आपको हम बोले थे कि आपको हम एक स्पेशल मेहमान से मिलवाने वाले हैं। वो स्पेशल मेहमान और हमारा दोस्त है मिस्टर किरण। लास्ट वीडियो में भी हमारे साथ गया था श्रीशैलम और वहाँ पर उसकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में, श्रीशैलम में क्या है क्या नहीं करके उनसे हमने जानकारी ली थी। तो इस समय भी हम आज खड़े हैं साई गीता आश्रम में। साई गीता आश्रम में भाई ने आज एक राइस बैग यहाँ पर अन्नदानम के लिए दिया हुआ है और वो ये करता रहता है हमेशा, कुछ ऐसे धार्मिक काम में हमेशा बिजी रहता है। तो आज हम जानेंगे कि साई गीता आश्रम का क्या महत्व है और यहाँ पर लोगों क्यों आते हैं और यहाँ पर असली में आके करते क्या हैं। आप सुनेंगे कि किरण से, किरण जरा बताइए इधर क्या है। हर एक संडे एक अच्छा हर एक इंसान इधर आके साई बाबा का दर्शन लेता है। और क्या है, इधर दुनिया की जाड़ है और बहुत सारे जाड़ है ऐसा कि नक्षत्र एक एक कुंडली का नक्षत्र लेके एक एक आदमी के लिए एक एक जाड़ रहता है। उसकी पूजा करे तो कंपलसरी उसको पॉजिटिव रहता और हर एक संडे को इधर अन्नदान भी रहता और ताजे ताजे इधर बहुत बढ़िया बाबा का दर्शन अच्छा रहता। ये स्पेशल इधर का साई गीता आश्रम है। बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये। इस मंदिर में आप गणेश जी, हनुमान जी और गरुड़ तीनों एक साथ दिखेंगे। अपने आप में बहुत ही अद्भुत है मंदिर। मेरे ख्याल से ऐसा मंदिर मैंने पहली बार देखा है। ये भी साई गीता आश्रम में ही है। अभी खाने पीने का अरेंजमेंट साई गीता आश्रम के दौरान हजारों लोगों के लिए अन्नदान का अरेंजमेंट किया गया है। अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पर अन्नदान चालू हो जाएगा और हम भी आके फिर उसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों आज मेरे साथ मेरे फादर भी हैं। सुबह से हम लोग आ गए थे, करीब 11 बजे आ गए थे साई गीता आश्रम में। और मेरे फादर से भी मैं पूछना चाहूँगा कैसा लगा आपको साई गीता आश्रम में। अभी हमने खाना खाया और पूरा घूमा सब जगह पे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए आप। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पर आप हर एक फंक्शन कर सकते हैं। दूसरे बात है आज इतवार होने की वजह से बहुत लोग आए हैं और खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छा समिति वाला यहाँ का बहुत अच्छा एकदम खाना सबको दिया है। आपको खाना बहुत पसंद आया? बहुत अच्छा लगा। हमने भी खाना खाया दोस्तों और हमें भी बहुत पसंद आया। और हमारी बड़ी बेटी नहीं आई है, हम अपनी बड़ी बेटी के लिए भी यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करें। जय हिंद।